सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। खबर है कि पुलिस फायरिंग में एक युवक की भी मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए हैं। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंडल समिति की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ 1990 में राजीव गोस्वामी की आत्महत्या को याद करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, हमें 1990 की गोस्वामी आत्महत्या की याद दिलाता है। जब आर्थिक संकट होता है, बहुत अधिक बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई होती है, तो परिणाम हमेशा सड़क पर गुस्सा होता है। इन आग की लपटों के पीछे एक चौथा कारक भी है, और वो है भारत के प्रधानमंत्री का अभिमान और अहंकार, जो सेना प्रमुखों के पीछे छिपे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि फौज पर रहम कीजिए। ओवैसी ने पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस TOD तोड़ भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। बता दें कि सेना में नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन की लपटें बिहार से शुरू होकर तेलंगाना तक पहुंच गई है। लगातार तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन हुआ है। शुक्रवार उपद्रवियों ने 5 ट्रेनों में आग लगा दी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ स्टेशन पर पत्थरबाजी भी की। इससे पहले बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी थी।